हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आज अभी बात करो कि लड़को लड़की तो शादी करे, बट दोनों लड़कियों ने शादी कर ली है, यानी दो लड़के हैं वो दोनों शादी कर लिए। तो आज अभी बात करो, जो एक लड़की है वो लड़को बनेड़ो है, नाम है बनी सिंह। तो आज वो हम बात करो लाइव में जोड़े, तो आप भी लाइव में पूरा बने रहा और धन्यवाद। कैसे हो? हेलो, कैसे हो बिनय सिंह? वेलकम। थैंक यू थैंक यू। कैसे बढ़िया हूँ, हो? आप कैसे हो? बढ़िया अच्छा। और एकदम। हाँ कल मैं लाइव तो आई थी, लेकिन आप बिजी थे। कल हाँ, थोड़ा सा ओके, इमरजेंसी हो गया था, मैं ऑफिस अच्छा, से कोई इसलिए नहीं मेरे को कोई थोड़ा नहीं। नहीं। और सुनाओ। बस सब बढ़िया, हाँ, बस आप मैं बढ़िया बताइए। हूँ। और सभी लोग कंफ्यूज हो गए कि ये साथ में कौन है और कौन नहीं है, तो मैं बता देती हूँ, ये बनी सिंह है इनका नाम, और बाकी जो उनका जो परिचय है और ये खुद दे देंगे। और ये एक जो आपको दिख रहा है, जैसे ये छोटे बाल और जो जेंट्स वाले कपड़े, तो ये एक लड़की है, बट ये उसको बोलते हैं टॉम बॉय, जो हमारे यहाँ लोग कम समझते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो कहना मतलब है कि जितना भी हमारे भाई लोग हो जुड़ुड़ा, तो आज बढ़िया पे आज जो अपनो लाइव एकदम अच्छो चलन आड़ो है, और जितना भी लोग हो आप जुड़े रहे लाइव में, आप ना ये मतलब अच्छो ज्ञान मर से, और जितना भी हमारे बहना भाई है आप ज्यादा ज्यादा जुड़े रहे, ठीक है? तो विनय सिंह, आप मुझे ये बताइए कि आपका नाम रियल क्या है? विनय सिंह, मेरा रियल नेम स्नेहा स्नेहा सिंह सिंह, है। स्नेहा सिंह। स्नेहा सिंह। अच्छा, आपका नाम में भी इंग्लिश है जी, तो आप बताइए आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, और बेसिकली ये है कि मेरा यूपी में अच्छा जन्म हुआ था, और फैमिली जो है वो स्टार्टिंग से अच्छा दिल्ली में ही रही है, जी, तो दिल्ली से ही सारी तो अभी चीजें आप चलती हैं। दिल्ली में हो जी, हाँ जी। और आप जो आपकी बोलते हैं ना पढ़ाई लिखाई, जो हमारे यहाँ अंग्रेजी मुझे कम आती है, मैंने आपको बताया है। हाँ मैंने सिर्फ सेंट जेवियर स्कूल से सिर्फ और सिर्फ 10th पास कर अच्छा रखी है, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल भी मेरा पढ़ाई में देखा जाए तो मन भी नहीं लगा एक तरीके से। काम काज, ये सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो उसी में ही सारा दिमाग चला गया। और सब जी बढ़िया हाँ जी एकदम। तो आप जो ये जो आपका लुक है, आप एक लड़का बन के घूम रहे हो या मतलब घर में हो, तो आपको घर वाले या कोई आसपास वाले कोई बोलते नहीं है कि आप ये लड़का बन के, एक लड़की है? सब बोलते हैं। सबसे पहले देखा जाए ना तो घर वाले ही बोलते हैं कि छोटे बाल क्यों कराए हैं, क्यों रहना है ऐसे लड़कों की तरह, ये वो बहुत चीज होती है। पर मेरा स्टार्टिंग से ये रहा है कि मैंने दुनिया जी की कभी सुनी ही नहीं। एक वक्त वो था कि हाँ, रोड पे चलते टाइम अगर कोई कुछ इतना सा भी बोल दे कि नहीं अजीब लग रहे, बोलते ना बहुत अलग अलग तरीके के शब्द जी बोले जाते थे वहां पे, तो वो एक टाइम पे बुरे लगते थे। लेकिन आज के टाइम पे इतना इतना ज्यादा स्ट्रांगली आगे निकले कि अब कोई भी कुछ भी बोलता रहे फर्क ही नहीं पड़ता, बाकी बोलने वाले तो आप बोलते बचपन हैं। से ऐसे रहते हो या बाद में? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे 10 साल हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 साल में मैंने अपने आप को इस तरीके से बदला है। बाकी इससे पहले मेरे पूरे बाल मतलब इतने थे कि मेरे कमर तक के थे, बहुत ही ज्यादा हैवी थे, तो तो अभी मेरे 10 साल में आप मैंने इतना जब चेंज मतलब किया। पहले जो आपके बाल हेवी थे और आप एक लड़की वाले कपड़े पहनते थे, जो आपके मम्मी जी पापा पहनाते थे, ठीक है ना, तो तब आपको वो फीलिंग नहीं आती थी कि मुझे ये अजीब लग रहा है वगैरह वगैरह? बहुत बहुत आती थी। मतलब एक टाइम पे तो मतलब ये था कि जब तक मैं 9th क्लास में था तब तो मुझे कोई इतना नहीं पता चला कि ऐसा भी होता है, बट हाँ कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं यार शायद ये कपड़े मेरे लिए नहीं बने हैं, तो वो चीज लगती थी। फिर एक टाइम के बाद समझ आया जब दुनिया में निकले, लोगों से मिले, तो पता चला कि नहीं हमारे जैसे भी लोग हैं। तो वहां पे मुझे थोड़ा ऐसी चीजों से प्रॉब्लम होने लग गई जो एक लड़की की तरह हो, तो वहां अच्छा दिक्कत अच्छा होनी स्टार्ट हुई। मतलब बचपन से ये था, बट आपने बोला नहीं, जब आप में हिम्मत आ गई तब आपने बोल दिया, जी सही है ना? हाँ हाँ, जी तो अब हाँ क्या आपने शादी की है या? हाँ मेरी शादी को अच्छा, 1 साल होने वाला है।
मेरे को 7 महीने पूरे अच्छा हो गए अच्छा शादी के हुए और मैं बहुत ज्यादा खुश भी कॉन्ग्रेचुलेशन। हूँ। तो ऐसा है कि और थैंक यू सो मेरी मच। ऑडियंस कंफ्यूज बोलते हैं ना कि सोच रही होगी कि शादी किससे की है। तो इसने जो नलब बनी सिंह ने शादी की है, बनी सिंह आप ही बता दूं कि आपने शादी लड़की से की या लड़के से? जी मैंने लड़की से शादी करी है, मैं खुद एक लड़की हूँ और मैंने अच्छा, लड़की से ही शादी करी है। तो क्या ये बाकी तो देखो सबको पता है, जो पढ़े लिखे हैं उनको पता है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछूंगी कि ये जो नियम के खिलाफ है या नियम में ये लिखा हुआ है, जैसे मतलब सरकार में ऐसा है कि एक लड़की लड़की के साथ रह जी सकती है या नहीं? नहीं, अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं आया है कि एक लड़की लड़की शादी कर सकते हैं। मैंने हर चीज से अगेंस्ट जाके, खिलाफ जाके मैंने ये कदम उठाया था। लेकिन हाँ, हमारा जो मतलब हमसे जुड़े जैसे लोग हैं, जैसे मेरे जैसे और लोग हैं, तो उसमें ये है कि तुम साथ रह सकते हो लेकिन अच्छा शादी नहीं कर सकते। पर मैंने उसके बाद भी मंदिर में बकायदा अच्छे से माता रानी के मंदिर में अच्छा जाके अच्छा शादी करी है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोगों की सोच है, अब उसको नहीं चेंज कर सकते चाहे अच्छा कितना भी अच्छा कोशिश कर ले। और जितने भी भाई लोग जी कमेंट्स कर रहे हैं तो मैं आपको कमेंट्स का भी रिप्लाई दूंगी, ठीक है? आप तो अब कमेंट करते रहो क्योंकि आज मैं कुछ ज्यादा बकूंगी नहीं तो आप क्या गलत कमेंट करते हो ना, तब मैं ज्यादा बकती हूँ। बट आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आज मैं बनी सिंह से बात कर रही हूँ, ठीक है? और जब आपने जो शादी की तब आपके जो परिवार वाले वो आपके खिलाफ थे ना? मम्मी को बताया था शादी से 1 हफ्ते पहले मैंने कि मेरे को शादी करनी है, तो काफी डांट भी पड़ी, बोला भी कि क्यों करना है ये सारी चीजें, अच्छा नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं राजपूत फैमिली अच्छा से अच्छा बिलोंग करती हूँ, सबसे बड़ी चीज ये है। और इसमें ऐसा रहता है कि मतलब इज्जत इज्जत इज्जत, एक यही जी चीज आके अटक जाती है जहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है चीजें संभालना। जहां तक मेरे हिसाब से मेरे माँ बाप भी गलत नहीं है, क्योंकि ठीक है समाज में उठना बैठना होता है। अभी आजकल की जो जनरेशन हो रही है उसके हिसाब से अगर माँ बाप भी चलने लग गए तो फिर सारी चीजें कैसे ही होगी। तो डांट पड़ी बहुत, फिर भी मैंने समझाया और मैंने कोर्ट के थ्रू की थी सारी चीजें, तो सामने वाला इंसान कुछ कर ही नहीं तो पाया, कोर्ट हम कोर्ट आगे में निकल आपने गए। बोला ना, तब तो ये नियम था नहीं, तो कोर्ट में कैसे आपका हो गया? जी कोर्ट में कैसा रहता है कि आप लिविंग अच्छा रिलेशनशिप में मतलब साथ रहने के लिए आप लिविंग में जो भी है वो वैलिड है, अच्छा लेकिन अच्छा शादी वैलिड अच्छा नहीं अच्छा है, ऐसा ऐसा है। है। और जी एक चीज मुझे बताइए कि आपने जब जो ये लड़के वाला गेट किया ये ठीक है, बट आपके अंदर ये कब फीलिंग आई कि मैं एक लड़की से शादी कर लूं? जब मैं नाइन्थ अच्छा क्लास में तो था ये तब आई थी, और वो भी ऐसा था कि मेरे को मेरी इंग्लिश की ओहो मैम अच्छा पसंद आ गई थी, तो वहां पे मुझे पता चला अच्छा अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। मतलब आपकी टीचर ही आपको पसंद आ गई ऐसा? हाँ, सबसे सबसे पहला जो प्यार बोलते ना वो मेरी इंग्लिश की ओहो टीचर ही थी मेरी। अच्छा, फिर क्या उसको मतलब आपने बोला कुछ प्रपोज वगैरह वो? फिर बस कुछ नहीं, जैसे ही मतलब इंग्लिश का पीरियड होता था तो अच्छे से एकदम परफ्यूम वगैरह लेके जाते थे कि हाँ ठीक है मैम का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे परफ्यूम लगाया फुल ऑन, अच्छे से उनको पटाने की कोशिश करी सारी चीजें। बट ठीक है मैम है, थोड़ा बहुत हुआ ठीक है, उनको भी पता रहता था ये सारी चीजें क्योंकि वो भी हमारे जनरेशन में थे, सही है तो सही समझ आ है। रहा तो फिर मैम ने क्या बोला? था। फट अच्छा तभी गई थी। फट गई थी। हाँ मैंने बताया उनको कि मेरी कैसी फीलिंग्स है, क्या चीजें है, तो मेरा 9 महीने कम से कम रिलेशन चला था उनके साथ। उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई छूट गई तो आगे मतलब कंटिन्यू वो नहीं हो मैम तो पाई छूट चीजें। गई या? हाँ अभी मैं वहां से चला गया तो मैम कहाँ से रहेंगी, फिर लिंक ही खत्म ओ हो गया, स्कूल से मतलब ड्रॉप हुए जो तो। आपका पहला प्यार था वो आपको नहीं मिला? ओके तो जी हाँ, उसके बाद शायद है। जो आपको अभी आपके जो पार्टनर है वो कहाँ से है और जी उनसे मुलाकात कैसे हुई? वो अम्बाला से बिलोंग करती है हरियाणा साइड पे, और उनसे मेरी ऐसी मुलाकात हुई कि मेरी मम्मा ओ को कैंसर हो गया था और उस टाइम पे मैं मुंबई में था, लेकिन मेरे को आना दिल्ली बहुत जरूरी था क्योंकि मुंबई में मेरा काम वगैरह हर चीज चलता था। तो जब यहाँ पे आए तो काफी घर के मतलब मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा को गुजरे हुए मतलब अच्छा 1.5 से 2 साल हो गया,
तो सारी फैमिली की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मेरे ऊपर ही थी, तो मुझे ही संभालना था। अब मम्मी को कैंसर हुआ तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इतने पैसे आएंगे कहाँ से, मतलब क्या करना है। तो मैंने काफी अपने दोस्तों से अच्छा सबसे सबसे हेल्प मांगी थी। तो आज के टाइम पे जो मेरी वाइफ है वो मेरी उस टाइम पे एक इंस्टाग्राम से उठ के एक अच्छा दोस्त बनी थी, जिन्होंने मेरी काफी हेल्प आउट करी थी इस चीज में। और कब वो दोस्ती इतनी आगे चली गई कि आज वो मेरे साथ मेरी लाइफ में, मुझे खुद भी नहीं पता। 6 महीने की रिलेशनशिप में हमने शादी भी करी, रिलेशन भी चलाया और आज साथ भी है, ऐसा। अच्छा 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 मतलब शादी तो आपने मंदिर में की, वो जो बोलते हैं ना जो, हाँ मतलब हाँ जो जी एक रीति रिवाज से वो हुई नहीं। जी प्रॉपर रिवाज से अच्छा शादी हुई अच्छा हमारी, अच्छे से। तो बोलते हैं ना, मैंने एक वीडियो देखा था जो वो भी एक टॉम बॉय और एक वो लड़की, उन्होंने शादी की तो उन्होंने बोला कि हमने महाराज को बोला जी कि हम हमारी शादी करें, तो महाराज ने बोला कि भाई हमारे जो शास्त्रों में लिखा है कि एक ब्रह्मा एक नहीं सॉरी एक विष्णु और लक्ष्मी जी की मतलब यहाँ जो शादी होती है उसमें ये मतलब शास्त्रों में लिखा है, तो मैं कन्यादान का कन्यादान कैसे करूँ, तो ये होगा नहीं। और उसके बाद कि पैसे मांगे और पैसे दे दिए तो फिर हो गया। हाँ हाँ, मेरा अच्छा भी ऐसा ही था। मैंने भी मंदिर में पैसे दिए थे, उसके बाद शादी हुई। क्योंकि पहले मना कर रहे थे, बोला ये भी गया था कि नहीं कर सकते ये चीजें, बट एक बोलते हैं कि एक कोर्ट की सारी चीजें थी मेरे अच्छा पास, तो वो वैलिड हो गई चीजें कि ठीक है। बाकी पैसा राइट। आज के टाइम पे हर चीज खरीद और सकता है, आपके वो चाहे फिर कुछ भी परिवार हो, में सिंपल है। कौन कौन है, जैसे आपके भाई बहने कितने? मेरे परिवार में अभी मम्मी है, मेरा एक बड़ा भाई है मुझसे 2 साल बड़ा, मेरी दादी जी है, मेरे दादाजी है और मैं हूँ अब आप बस। सब साथ में रह रहे हो या अलग? नहीं, शादी के बाद से हम लोग अलग हो गए थे, मतलब हाँ बातचीत चलती रहती है फैमिली से। ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिया है कुछ भी, अच्छा वो अब समझ गए हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, अब एक्सेप्ट कर रखा है उन्होंने। बट अभी कैसा है कि अच्छा नहीं लगता, बड़े हैं अभी। मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, कुछ भी ऐसी कुछ भी हो, मतलब इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली कुछ भी चीज हो जाए जो माँ बाप को पसंद ना आए, तो वो चीज अच्छी नहीं लगती। तो बेटर है कि ठीक है, हम एक अलग जगह है, वो अलग जगह है, क्योंकि ना वो हमारी सोसाइटी में डल पाएंगे, ना अब उनकी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली चलना प्रेफर ही नहीं करते अभी। अच्छा मतलब काफी लोग बोलते हैं जैसे कि जी कोई लोग जो ब्लॉग बनाते हैं जो लड़के लड़के काफी लोग हैं, मैंने काफी वीडियो देखे तो उनको अच्छे कमेंट भी आते हैं और बुरे भी आते हैं, पूछते हैं कि आप दोनों कैसे मतलब खुश रह पाते हो, और लड़की जी जो हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि लड़की को अकेले तो कहीं बाहर भी नहीं भेजते हैं, कि लड़की लड़की है तो उनको बाहर ना भेजा जाए, और आप तो एक मतलब लड़की हो और आपने लड़की से ही शादी की है और आप बाहर भी अकेले रहे मतलब रहते हो, तो आपको क्या ऐसा कभी घबराहट अजीब नहीं लगता कि हम लड़कियां लड़कियां? नहीं, आज से कुछ 7 साल पहले एक वो टाइम भी था मैम, जहां पे मतलब रोड पे चलने में डर लगता था, ठीक है। बहुत लोग थे जो देखते भी थे गंदी नजरों से, चीजें भी थी। और क्योंकि मेरा काम ही ऐसा होता था कि मुझे रात हो अच्छा जाती थी आने में, घर पे लेट हो जाता था, काफी दूर दूर का ट्रेवल रहता था, तो मतलब 3 4 ऐसे बज जाते थे। देखा जाए ना, दिन में जितनी दुनिया हरियालियों से भरी है ना, पेड़ पौधे वो हरे रंग सारी चीजें, उतना ही ये दुनिया ना, रात में आप अगर 3 बजे बाहर निकलोगे ना तो पूरा जंगल सही है लगता सही। है। और बोलते ना, एक जानवरों से ज्यादा ना, हमको इंसानों से डर के हम अगर रह लेना तो वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि जानवर एक बार को काटेंगे सिर्फ काटेंगे, इंसान तो पूरा नोच के खत्म कर देते हैं। तो हाँ, वो एक समय था, बट आज के टाइम पे मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाया, क्योंकि मैंने बहुत तरीके के लोग देखे, अच्छे भी बुरे भी, सबके साथ उठे बैठे भी हैं, तो वहां पे पता चल गया कि कहाँ पे क्या चीजें गलत है। तो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं हाँ अंदर हाँ से कि ठीक है, निकल तो जाते हैं कहीं आप पे। मतलब आप दोनों साथ साथ ही जाते हो या आपके जो पार्टनर है वो अकेले भी बाहर जाते हैं या आप? वो अकेली ज्यादातर बाहर नहीं जाती, क्योंकि वो ज्यादा बाहर निकलती नहीं, उतना टाइम ही नहीं मिलता, काम में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं वो भी मैं भी, कि इतना भी वक्त नहीं मिलता कि हम साथ बैठ के अच्छे से बात भी कर पाए। बस अभी आएंगी तो बात होगी, उसके बाद खाना पीना खा के सो जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे वही रूटीन अच्छा स्टार्ट हो तो जाता है आप वर्क एंड काम ऑल सब। करते क्या हो, मतलब आप जैसे
मेरा खुद का बिजनेस है मैम, आईफोन्स का बिजनेस है, और जो बॉयज के अच्छा क्लोथ्स अच्छा होते हैं उसका बिजनेस है, और अच्छा ऑनलाइन अच्छा ही चलता है और मेरा आपके पार्टनर? जी। वो है रिटेल सेक्टर में, जैसे सेल्स वगैरह का होता है, कपड़े वगैरह का, वो अच्छा, उस तो शॉप में वर्क आप करता देखो, है। ऐसा है कि हम अभी तो हमारी उम्र है, और जैसे आपकी उम्र है, जैसे आप वो क्या बोलते हैं, अभी जो मतलब 25-26 साल, आपकी एज क्या है? अच्छा, 24 है ट्वेंटी मेरा फोर ट्वेंटी फोर हाँ जी। 24 किसको बोलते हैं? ओके, हाँ 24 हाँ 24, ठीक है। तो अभी आप 24 साल के हो, ठीक है। तो जैसे जी कि आप उम्र तो जैसे दिन जाता है वैसे उम्र चली जाती है, ठीक है। तो मतलब उस लड़की के जो परिवार वालों ने ये नहीं बोला कि एक लड़की से शादी करके जिंदगी बर्बाद होगी, या आगे बोलते हैं ना कि इसको भी बच्चा चाहिए, जो भी मतलब काफी सारे सवाल है। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला था, और काफी प्रॉब्लम्स भी हुई थी उनकी फैमिली की साइड से भी हर चीज। तो एक जो इंसान होता है ना मैम, वो इंडिपेंडेंट होना, मतलब बोलते ना खुद से हर चीज करने वाला होना चाहिए, तो वो दुनिया को राइट, चला सकता है। अगर हम उसी जगह कुछ काम ना करें, कुछ भी नहीं करें, ऐसे खाली बैठे रहना, तो हमारा कोई नहीं सुनेगा। लेकिन उसी जगह अगर हम 30 से 40 हजार रुपए कमा रहे हैं ना, तो दुनिया सुनती है और घर वाले भी सुनते हैं। तो बस वही है कि हम लोग देखा जाए तो काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी खुद बिताते हैं, और अपने लिए ना हम लोग खड़े होते हैं, राइट, स्टैंड लेते हैं हर जगह। प्रॉब्लम हर जगह आती है, लेकिन बोलते हैं ना चुप रहने से कुछ नहीं होता। जब तक हम बोलेंगे नहीं, तब तक हम किसी भी चीज को नहीं बचा सकते, चाहे वो हमारा एक रिश्ता ही क्यों ना हो। तो हमने अपने अच्छा रिश्ते के लिए स्टैंड लिया अच्छा हर जगह। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। फिर भी आगे आपने क्या सोचा है कि आगे बच्चे का अगर देखा जाए, लोग काफी पूछते हैं कि बच्चा कैसे हो गया। तो साइंस की टेक्नोलॉजी बहुत राइट, आगे बढ़ चुकी है, बहुत तरीके हैं बेबी करने के लिए। अब आप एक सिचुएशन ले लो जहां पे एक लड़का और राइट, लड़की की शादी हुई है, ठीक है। वहां पे या तो लड़के में या लड़की में अगर कोई हाँ भी हाँ इंटरनली प्रॉब्लम होती है, अंदर से कोई शरीर में प्रॉब्लम हाँ होती नहीं है, तो हो बेबी नहीं सही कंसीव होता, ठीक है। तो उसके बाद वो जाते हैं एक दूसरे प्रोसीजर पे, जिसको IVF बोलते हैं, जिसको अडॉप्शन बोलते हैं। काफी राइट, ऐसी चीज है जिससे हम बेबी कर सकते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंगली हमने ये सोचा, या तो हम IVF करेंगे, नहीं तो हम अडॉप्शन करेंगे। क्योंकि एक नन्ही सी जान को अगर हम एक राइट नई जिंदगी देंगे, तो मेरे हिसाब से वो खुद से प्रेग्नेंट होने से ज्यादा पुण्य राइट, का काम होगा हाँ कि हम एक बच्चे को जिंदगी दे ये रहे बहुत अच्छा काम है। और देखो, ये जी। जिसके अंदर जो दया भाव होते हैं उनको ये मतलब पता है। वो दूसरी बात है कि जो आपने ये काम किया है, तो मैं तो मतलब इस काम के कोई लोग खिलाफ हो गए, लेकिन मैं तो इसमें सहमत हूँ। इसलिए मतलब मैंने सोचा कि आपका इंटरव्यू लूँ। और ऐसा काफी लोग हैं, क्योंकि आपकी लाइफ है, आप कैसे जियो, क्योंकि खुद की लाइफ है, हमारी लाइफ है ना, हमारे हाथ में है कि हमेशा हम लोगों की सुनेंगे और लोगों के जो इशारे नाचेंगे कब तक करेंगे भाई। हमारी भी लाइफ है, इंसान ने हमें धरती पर एक मौका दिया है, इंसान का, ठीक है ना। बिल्कुल तो अगर वो हम सही तरीके से नहीं मतलब जिएंगे, ठीक है ना, तो मतलब क्या है, कुछ नहीं है ना। जैसे वो हमारे यहाँ बोलते हैं कि जानवर और इंसान में फिर क्या फर्क है, तो भगवान बोलेंगे कि अगर तुझे जानवर बनाकर भेजा होगा तो अच्छी बात, सही है ना। हाँ, राइट तो ऐसे जी काफी लड़कियां हैं जो उनके अंदर जो, हाँ होती लड़की है, लेकिन वो एक गॉड गिफ्ट होता है जो भगवान उसके अंदर फीलिंग वो डाल देता है, ठीक है ना। लोगों को पता है क्या लगता है मैम, कि ये एक बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर है, एक बीमारी है जो लोगों को लगा है। कुछ बल्कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये भगवान ही राइट, देके भेजता है। अभी अगर एक किन्नर हो, ठीक है, उनको लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको लगता है वो भगवान ने भेज के सारी चीजें करी है। सिर्फ एक वही राइट, चीज है जो भगवान ने बनाई है इनके हिसाब से, लेकिन हमारी भी वही फीलिंग्स है जो भगवान ने ही दिया हमें। कोई आने के बाद या हम अपनी खुद से राइट, नहीं राइट, बनते सारी चीज। तो मैं एक बार ही इन लोगों को यही बोलूंगा कि ये भगवान की दी हुई चीजें, ये हमारी खुद की बनाई हाँ। हुई तो चीजें देखो नहीं है, भैया, और ना ही ये कोई देखो बीमारी भैया है और बहन, हमारे जो मारवाड़ रहती, जी। और काफी कमेंट आया कि पूनम तुम मारवाड़ी बोलो। तो देखो, ऐसा है कि उनको मारवाड़ी समझ में आती नहीं है ज्यादा,
और मुझे ज्यादा हिंदी तो आती नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ बनी सिंह से बात करने की। और बाकी आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि एक लड़की है और लड़के के रूप में है, और उन्होंने एक लड़की से शादी भी कर ली है, और इनकी जो अंदर की जो फीलिंग है वो पूरी लड़के वाली है। ठीक है, लड़की भगवान ने बनाया है, जो यहाँ के बोलते हैं ना लोग कि खुश होते हैं ना, कभी बोलते हैं कि ये हमारी बेटी नहीं बेटा है, तो आप बेटा बोलते हो तो उनको बेटे के रूप में एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? एग्जैक्टली मैम, पता है क्या है, हम मेरा स्टार्टिंग से मतलब पापा के जाने से पहले ही, पहले से मेरे सारे घर में काम वही होते थे जो एक लड़के के लिए होते हैं, मतलब भरा हुआ सिलेंडर उठाना, बाहर के काम करना, आधी आधी रात में कहीं पे भी भेज देते थे, तो वहां पे उनको नहीं समझ आया कि मैं लड़की हूँ, काम सारे लड़कों वाले कराए। लेकिन आज जब एक्चुअल में वो फीलिंग्स मेरी बाहर निकल के आई और मुझे पता चला कि वो है, तो वो लोग सही एक्सेप्ट नहीं करते। से। क्यों ऐसा? मुझे मुझे ये बात ना उन सारे माँ बापों से उस चीज का क्वेश्चन करना है, जब तुम एक लड़की से लड़कों की तरह काम कराते हो तो उनको उस हाँ, और तरीके से दूसरी एक्सेप्ट क्यों बात, नहीं अगर होता? आपकी बच्ची उसके अंदर ये फीलिंग भी नहीं है, एक लड़के वाली फीलिंग है, वो आपके साथ रहना चाहती है, तो आपको क्या बुराई? आप लड़के को साथ में रख सकते हो तो लड़की को क्यों नहीं रख सकते? आपको पता है कि एक लड़की में वो फीलिंग होती है, तो अब वो कभी नहीं अपने माँ बाप का ना तो बुरा लगाएगी, ना कहीं वो बोलते हैं ना मारिया के मुंह काला करके आई, तो वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लड़कों में इंटरेस्ट भी नहीं है ना, क्योंकि वो लड़कों को देखकर उनको हाँ दोस्तों की तरह साथ में उठते बैठते, लेकिन वो चीज इनके लिए है ही नहीं। आप बोलते हैं ना कि फीलिंग, जो अंदर फीलिंग है ना, तो वो लड़कों वाली है, तो उसके अंदर तो वो चीज आएगी भी नहीं, ठीक है ना, वो सवाल भी नहीं होगा ना, तो जी उनको लड़कियों को देख। हाँ, तो अभी हाँ आपके जी जो क्या बोलते हैं आपकी पार्टनर, आप कहीं घूमने जाते हो कभी, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि हाँ, घूमने जाते हैं, जैसे कभी वीक ऑफ हो गया उनका, जैसे सैटरडे संडे तो उनको छुट्टी मिलती नहीं है, बाकी के जो दिन होते हैं ठीक है, उसमें से कुछ एक टाइम निकल जाता है, तो या तो हम घर के कामों में लग जाएंगे उसमें भी, नहीं तो फिर कहीं घूमने चले जाते हैं। और क्या पूछ रही थी? हाँ, मतलब आप कहीं जाते हो, आप कोई लड़की, मैंने देखा आपका लाइव, और आज जो सुबह आपने लाइव स्टार्ट किया था, तो साथ में आपके जो लाइव में ज्वाइन जी थे वो आपके पार्टनर ही थे, आपकी वाइफ? हाँ, हाँ इसलिए जी है हाँ जी ना कि आप जी मतलब किसी को लाइव में ऐड करते नहीं, वो हो गया कि एक लड़की लड़के मतलब नजर रखती है कि मेरे, हाँ मेरे बहुत मेरे कम हस्बैंड रहता है जब किससे मैं बात लोगों कर रहे को हैं। हाँ पूनम जी, हद पार मत ऐड करो, हद क्या पार, अगर एक लड़को लड़की शादी करे, अगर वो चीज है कि बंद कमरे में की करे की नहीं करे, ये चीज नहीं है भाई, ये एक लड़की है, लेकिन अपनी जो शादी की है ना लड़की में, उन्हें बहुत खुश रखे, ना कूटा मार ना कोई पिटाई करते है ना, या शराब पीकर, तो वो नहीं होती आपकी पत्नी जो शादी करके हक हक जताती हो कि ये मेरी बीवी है, उसको हम मारेंगे पीटेंगे, तो ये एक प्यार दे रहे, ठीक है ना। कम से कम हम लोग एक औरत की इज्जत हाँ, जानते और हैं ये कि क्या इज्जत होती भी है। कर रहे हैं, और उनको जितना चाहिए इतना उनको प्यार मिल रहा है, और वो ये दोनों एक प्यार जी में दोनों खुश है, उनको और कुछ चाहिए नहीं। जो आप बोलते हो ना, आप मैं अब कुछ ऐसा वर्ड बोलूंगी नहीं, क्यों अब यहाँ बोलते हैं ना कि राजस्थान है, बट मैं बोलती हूँ, कभी मुझे गुस्सा आता है, फिर भी वो चीज एक नहीं होती है जो उस पर औरत एक टिकी होती है। लोग सोचते हैं कि लड़कियां भूखी होती है उस चीज के लिए, वो ही चाहिए, वो नहीं चाहिए भाई, उनको एक प्यार मिले, इज्जत मिले, बस एक औरत को वो ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज, जब आपने मतलब शादी की, तो आपको जैसे आपने शादी तो कर ली, बट उसके बाद में आप कभी आपके मतलब घर गए या नहीं? हाँ, मेरे शादी के अगले दिन, मेरी पांच हाँ सितंबर को शादी हुई थी, और मेरी शादी के सही 1 से 2 दिन बाद मेरी मम्मी आई थी घर पे, सब लोगों से मिले जुले, और जो एक मतलब बहू जो घर की हाँ मीठा हाँ बनाती है सबसे पहले घर पे, तो मेरी वाइफ ने वो बनाया भी, मेरी मम्मा को खिलाया भी, और उनको काफी अच्छा लगा, उन्होंने शगुन भी दिया उनको, तो काफी अच्छे से हर चीज गई, उसके बाद कुछ राइट, खराब तो हुआ आप ही नहीं। अपनी मम्मी के सामने गए, तब आपको कुछ अलग नहीं लगा कि अलग नहीं लगा, मतलब बहुत खुशी हुई सच बताऊं तो, क्योंकि ये सुंदर ही इतनी लग रही थी कि एक बार तो मेरी मम्मी इनको देखती रह गई कि हाँ मतलब सुंदर लग राइट रही है बहुत ज्यादा,
तो वो चीज देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि ठीक है, आज जिस इंसान के मैं साथ हूँ उसको मेरे घर वाले भी कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहे हो. तो ऐसा है कि अब देखो कि दोनों के बीच में प्यार है, सब कुछ है, अच्छे से रह रहे हैं, तो और मतलब और एक लड़की को प्यार ही चाहिए, और एक जैसे ये भी एक लड़की है, बट लड़के की तरह रहते हैं, उनको भी प्यार चाहिए जो दोनों को मिल रहा है. और ऐसे कई लोग हैं जो इस चीज का सामना कर रहे हैं, बट किसी को मतलब अपने घर में मम्मी पापा को बोल नहीं पाते कि मैं हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं एक्सेप्ट कर पाते. कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को खोने से डरते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी सोच के डरते हैं कि लोग क्या सही कहेंगे हमको. बोलते ना इंसान कहीं ना कहीं घुन्ना हो जाता है, घुन्ना बोलते ना, कि मन मन में अपनी बातें रखना, फिर वो अपने आप को तकलीफ पहुंचाता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं. तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम किसी चीज को, अब बोलते ना, अगर तुम कहीं काम करने जा रहे हो ना, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुमको 2 रुपए भी नहीं देगा. आज के टाइम पे 20 रुपए की पानी की बोतल आती है मैम, जब तक आप 20 रुपए नहीं देंगे तब तक वो आपको हाँ हाँ बिसलेरी की राइट बोतल नहीं राइट देगा. एक मशीन का पानी भी 1-1, 2-2 रुपए का मिलता है, यहाँ फ्री राइट में पानी तक नहीं मिलता. तो कुछ भी चीज जब तक आप करोगे नहीं राइट तब तक तो नहीं अभी मिलेगी. एक जो कमेंट आया है कि मुझे पूछ रहे हैं कि पूनम जी एक लड़की से लड़की शादी मतलब करे, ये कौन सी बात है, मतलब ये होता भी नहीं. तो विनय सिंह आप बताइए, क्योंकि ये चीजें आपने की है तो आपको अच्छे से पता है, और थोड़ा सा धाकड़ सा बताइए ताकि उनके दिमाग से कुछ बात आ जाए. मैम एक्चुअली क्या है कि ठीक है, आज के टाइम पे ये लीगल नहीं है अभी, लेकिन इस पे काफी जोरों से लड़ाइयां चल रही है, क्योंकि जितने भी हम जैसे लोग हैं वो इतना ज्यादा बढ़ चुकी है लड़ाई की. एनडीटीवी न्यूज अगर इनमें से कोई देख रहा होगा, मैंने यही बोलना है कि भाई थोड़ा यहाँ से नॉलेज लाओ, क्योंकि हर टाइम पे ये घटिया गिरा हुआ दिमाग लगा के कुछ नहीं होना. और इंसान प्यार ही करता है ना, बुरा क्या कर रहे हैं. अगर एक लड़के के साथ भी है तो क्या मिलता है वहां पे, सिर्फ एक ये कि तुम एक बोल रहे हैं फिजिकल हो रहे हैं या जो भी चीजें हैं. मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता क्योंकि आपकी लाइफ पे इफेक्ट नहीं होगा नहीं उस चीज से अगर मैंने बोला. तो एक रिश्ता सिर्फ उन्हीं चीजों पे नहीं टिका हुआ, यहाँ पे काफी अच्छी लेडीज हैं, लड़कियां हैं या जो भी है, जिनको एक सही इज्जत चाहिए होती है. जो हम जैसे लोग, मैं बोल रहा हूँ ना मैम, आने वाले टाइम में आप खुद देखोगे कि मेरे से भी कई ज्यादा 100 गुना लोग ना, लड़कियां जो है ना वो एक लड़की के साथ ही आपको रिलेशनशिप में दिखेंगी, क्योंकि वहां पे इज्जत भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, वक्त भी मिलता है. और स्पेशली वहां पे बोलते हैं ना, फिजिकली यूज नहीं किया जाता, राइट उनको राइट हरासमेंट नहीं की जाती जैसा आज के टाइम पे. और लड़के क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा, इतने रेप्स हो रहे मैम, कुत्तों राइट को भी नहीं राइट छोड़ते. हमारे दिल्ली में एक केस हुआ था जहां पे एक फीमेल डॉग थी जिसको मैम बैक साइड से ना उन्होंने एक लकड़ी की जो होती ना पूरी, वो डाल राइट के उसको मार दिया राइट था सेक्स करके. तो ऐसी ऐसी चीजें करते हैं. तो राइट ये कर रहे हैं आदमी. आज तक कभी देखा क्या किसी लड़की नहीं ने किसी कुत्ते का रेप किया हो, या किसी लड़की ने कभी कुछ ऐसा किया हो जो गलत हो? सही कभी है. नहीं होता. और दूसरी बात है कि हाँ जो बोलते हैं ना, जो यहाँ पर जो लड़की नहीं लड़के से करेगी, भाई क्यों करेगी, उनकी लाइफ है. अगर अब देखो बनीस मेरे को एक चीज बता दो कि मैम कहाँ पे लिखा है कि शादी लड़का और लड़की की होनी चाहिए, लड़की लड़की की नहीं होनी चाहिए? कहाँ पे? एक वो रद्दी पेपर पे कोर्ट के पेपर्स हो गए, या कौन सी भगवत गीता में लिखा है, कौन से बाइबल में लिखा है, या कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि एक लड़की लड़की या एक लड़का लड़का कोई शादी नहीं कर सकता? सिर्फ शादी होगी तो एक लड़की और लड़के के ऐसा बीच में है ही कि होगी, राइट है, कहीं नहीं ऐसा लिखा. है कि अगर आपकी वो फीलिंग भी नहीं है तो आपको जबरदस्ती क्यों धकेले भाई. अगर आप ये बोलो कि मुझे मतलब शादी करनी नहीं है, मैं घर पे रहूंगी, तो घर पे भी परिवार वाले रखते नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमें समाज क्या बोलेगी. मतलब लड़की को हर जगह ज्यादातर टॉर्चर किया जाता है, वो तो मैंने देखा ही, क्योंकि उनका उनका कौन पूछे मन, कोई नहीं पूछते कि तेरा बेटा क्या मन है, बस यही बोलेंगे कि शादी के बाद. मैम एक ना मैं आपको डिफरेंस बताऊं, अभी मान लो एक लड़का और लड़की की शादी हो रही है, मतलब लोग किस हद तक मतलब क्या करते हैं वो सोचो आप. ये थोड़ा लॉजिक वाली बात है. एक लड़का लड़की की शादी हो रही है, ठीक है, काफी सारी अरेंजमेंट हो गई, सारा बर्डन आता है जी लड़की वालों ओके पे पहला, ठीक है. दूसरा, एक लड़के की बॉडी पे शादी वाले दिन सिर्फ एक शेरवानी होती है और एक सहरा होता है. लड़की
कम से कम 10 किलो तक का लहंगा पहनती है, जिसमें प्लस उसकी ज्वेलरीज, उसके जेवर, उसकी सारी चीजें। जाना होगा तो लड़की अपने घर से जाएगी, अपने माँ बाप से दूर होगी तो लड़की होगी, लड़का अपने घर पे ही लेकर आएगा और वहीं रहेगा। अगर कोई लड़की को उसकी शादी में, जहां पे उसके घर पे प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे लड़की को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। क्यों? राइट क्योंकि उसने शादी करी है, उनके घर वालों की इज्जत खराब होगी, और लड़की अपने घर वापस नहीं जा सकती क्योंकि उसके भी घर वालों की राइट इज्जत खराब होगी। सारी चीजों में मतलब बोलते हैं ना, एक लड़की ही घूमती है, तो इतना मतलब पार्शियलिटी क्यों होता है, मेल भाव क्यों होता है लड़का लड़की में, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया ये चीज। वरदान है किसी का दिया हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि लड़की को ही भुगतना पड़ता कहाँ लिखा है। है। अभी एक और चीज ले लो आप, जैसे एक लड़की को पीरियड्स हो जाते, एक महीना हो जाता है लड़की को, तो वो मंदिर में नहीं जा सकती। क्यों? एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ पे माता रानी को पीरियड्स होते हैं, और उसको वो लोग सर पे एक तिलक की तरह लगा के, एक वरदान की तरह हर चीज करके बोलते ना आते हैं। वो भी तो माता है, वो भी तो एक औरत है, उनको जब होती है तो उस चीज को तुम माथे पे लगा के चूमते हो, लेकिन एक लड़की को अगर पीरियड्स हो रहा है तो मंदिर में नहीं जा सकता, ये ये भी किधर लोगों लिखा की है। सोच है, ठीक है ना, ये बहुत गंदी सोच है। जब एक लेडीज को जो पीरियड आता है तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे गंदी नजर में कि ये तो ऐसे देखो, ये है तो ये दुनिया है, अगर ये नहीं होती तो ये दुनिया शायद बढ़ती नहीं, ठीक है ना। तो हंसते हैं जब एक लड़की की स्कूल की टाइम हो, ठीक है ना, तो स्कूल जाती है तो उनका पीरियड होता है तो लड़के उनके ऊपर हंसते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो है तो ये दुनिया है, अगर वो नहीं होता तो दुनिया खत्म हो जाती। जी, और काफी लोग जो कमेंट कर रहे हैं, तो आप भी कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको भी मैं रिप्लाई देंगे। संतोष विष्णु, वेलकम जी, संतोष जी स्वागत है आपका। और आपका खाना बाना हो गया बनी सिंह जी? अभी नहीं मैम, बस अभी थोड़ा काम से फ्री हुए, फिर मैंने आपको मैसेज देखा, मैंने कहा हाँ, लाइव नहीं में नहीं जाना मैंने जरूरी सोचा है। कि ऐसे काफी लोग हैं जो ये चीजें फेस कर रहे हैं। भाई देखो, यहाँ है बट वो बोलते नहीं है, अपनी खुद की फीलिंग जो एकदम दबा कर बैठे हैं, तो उनके लिए आप एक मतलब जो बोलते हैं ना प्रेरणा बोले तो ठीक है ना। तो वो क्योंकि जो जिसको अच्छा लगे वो ही करेंगे, ठीक है ना, जो अपने मम्मी पापा उनके साथ है तो दुनिया क्या करेगी, कुछ नहीं। उनको हाँ, उनका दिमाग हिल जाएगा, लेकिन उसको हम हैंडल करें, समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो जो मम्मी पापा वो एक भगवान होते हैं। हर हाँ, चीज में ना मैम वक्त लगता है, आप एकदम से लाखों रुपए नहीं मेहनत कमा सकते, उसमें आपको मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमने बताया और हमारे माँ बाप मान जाए, नहीं ऐसा नहीं है मैम। मुझे 10 साल लग गए अपनी मम्मी को बनाने के लिए, उस 10 साल में मैंने कितना कुछ देखा, उसके बाद जब मैंने राइट शादी करी तब मेरी मम्मी मानी हर इन चीज चीजों को लेके, देखो, क्योंकि वहां पे मैंने टाइम ऐसा है कि दिया। विनय सिंह, कुछ भी हमें पाना हो ना अच्छी चीज, तो संघर्ष तो करना पड़ता है, कि संघर्ष के बिना कुछ मिलता नहीं, ठीक है सबर का ना। फल हाँ मीठा होता है, हाँ और ये बात सबर सच और संघर्ष, मेहनत। और दूसरी बात है कि हम ज्यादा मतलब सच्चे दिल से जो भगवान को याद करे, प्रतीक्षा करे, तो भगवान भी आ जाते हैं, तो ठीक है ना। तो ये तो इंसान है, जो माँ बाप है उनको वो तो आखिर में तो मान ही जाएगा। अगर मेरी स्टोरी में बताऊं तो मैं जैसे वीडियो हमारे यहाँ ज्यादातर नहीं बनाते थे, तो मैंने बनाया, तब मुझे इतनी डांट पड़ी जितनी शायद आपने शादी की एक लड़की से इतनी नहीं पड़ी, जितनी मुझको सुननी पड़ी, ठीक है ना। और फिर मैंने सबका सुना भाई, सबका सुना, सब किया, उसके बाद पैसे आए, अच्छा काम किया, तब वो लोग बोलते हैं कि वाह पूनम तूने अच्छा काम किया। तो ऐसा है। हाँ, बाकी बस मैं वही साथ है। तक पढ़ी हूँ, मुझे हिंदी भी इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर वीडियो बनाते बनाते मैं सीखी हूँ, क्यों एक गांव है तो। मैम आप YouTube चला रहे हो, बहुत बड़ी बात है। मैं सच बताऊं तो मुझे भी ठीक से YouTube चलाना नहीं नहीं आता है, मेरा दिमाग सारा Instagram में, ये YouTube भी ठीक से चलाना नहीं आता। अभी छोटा सा चैनल शुरू किया अच्छा, है, उसी को आपके बढ़ाने में चैनल का इतना नाम टाइम लग की रहा है, था, तो बहुत अच्छा आपके काम कर चैनल रहे हो का आप। नाम क्या है? मेरा ऑफिशियल बनी बनी सिंह सिंह के नाम से ही है, जी, मैं और आपको भेज दूंगी। आपके इंस्टाग्राम आईडी यही है बनी सिंह, ठीक है ना। हाँ, तो जितने भी हाँ भाई जी लोग हो बनी सिंह को फॉलो करें और उनको सपोर्ट करें, और बहुत अच्छी बात है कि जो भी
है आपने जो सुनाई है, और ये मैं वीडियो जो भी अभी लोग आए हैं तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगी, आप अच्छे से सुन लेना ठीक है। और काफी लोग और जो दिमाग में कचरो है वो निकाल दो कि एक लड़की को आप देखो, लड़की बच्चे की करे टूट जावे, जैसे कि वो टूट जाती है अगर परिवार वाले और जो गांव समाज वाले टॉर्चर करते हैं तो खुद की फीलिंग मार कर, और बस वो एक जिंदा है लेकिन अंदर से वो मर जाती है, उसके अंदर है ना वो चीज नहीं रहती है जो हौसला जज्बा वो कुछ नहीं रहते। हम जो यहाँ बोलते हैं कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती है वगैरह वगैरह, जो अरे काम क्या करेगी वो, उनको तो आप दबा दबा कर मार देते हो, जैसे इतने सुनाते हो, वो अंदर से टूट जाती है कि मैं कुछ नहीं हूँ। अगर उनका आप हौसला बढ़ाओ तो वो भी जिंदा हो जाए कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो एक लड़की सब कुछ कर सकती है, और लड़की को आप कम मत समझो। और दूसरी बात है, ये जो अपनी जो पत्नी है उनको बहुत खुश रख रही है लड़की, लेकिन उनको जो इज्जत मान मर्यादा अच्छे से दे रहे है, और अच्छे से उनको जो उनको क्या चाहिए, उनके जो मुंह देखकर उनको पता चल जाता है कि आज उनको क्या चाहिए ये, और ये उदास क्यों है ठीक है। एक जो ये लड़की के रूप में है लेकिन अंदर तो ये लड़की है ना, तो जो लड़की का है ना दिल है ना एकदम, वो बोलता है ना दयालु होता है ठीक है ना, दयालु होता है। और लड़के है ना थोड़े से ऐसे होते हैं, पर तो ज्यादा दया भाव किसमें होता है किसमें नहीं होता है अलग बात। इस कठिनाई का राजस्थान से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से संदेश पहुंचाने नागरिक तक। संतोष जी आप क्या बोल रहे हो? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है क्यों भाई? आपकी वाइफ कहाँ है अब? अच्छा आपको पूछ रहे हैं कि आपकी वाइफ कहाँ है। मैं भी अच्छा बुलवा देता आपके हूँ एक पास ही है, सेकंड। हाँ तो बुला। तो बेटा सुनो कहानी ठीक है ना, कुछ उधरो आज मैं थोड़ा कॉमेडी पढ़ जा कुन के होकी ते डाया जो को मैं बाहर आवो को नहीं, ये कारण मैं थोड़ा एक कॉमेडी पढ़ जा को, आज मारे दिमाग है ना बहुत शांत है, क्योंकि नहीं तो मैं अब लड़ाई कर चुकी होती आपको पता है ना। तो देखो कितनी अच्छी बात है कि दोनों लड़कियां आपस में खुश है और बहुत अच्छे से जी रही है, और अच्छी बात है उनकी लाइफ है ठीक है ना। ओनम भाई साहब, खमा गणेश साहब जी, मैंने बुला दिया, मैं मारी तो हूँ। उनसे भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। मैं तो आपको बोलती हूँ हनी हनी सिंह ब्रो, नहीं बनी सिंह, और हनी सिंह आ जाता है। हाँ हाँ जी, ठीक है, दोनों और ही आप बढ़िया बताइए, हनी खाना सिंह आप है। मिलजुल के बनाती हो या? हाँ मेरे को भी सब आता है, कभी तो उसकी तबीयत खराब हो गई तो अच्छा मैं बना लेता हूँ, ऐसा होता है। और कभी मेरा हुआ तो, वैसे तो वो ज्यादा बनाती है, मेरा थोड़ा कम ही रहता है क्योंकि मेरा काम में इतना दिमाग है कि घर का हो ही नहीं पाता। बाकी जो बाहर से लाना और आना एक और राशन आशन वो चीज सब है, मेरा एक चीज रहता है, मुझे बताइए कि सब मैंने मेरा। पूछा नहीं, मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मैंने आपसे ही पहली बार ऐसे वो क्वेश्चन जो भी सवाल पूछे, क्योंकि मैं पूछती नहीं हूँ ऐसे ही हंसी मजाक, हम मारवाड़ के लोग जुड़ते हैं ना तब हम क्या है ऐसे ही बकते रहते हैं तो जी लोगों को अच्छा लगता है। मैं हाँ, आपके जो ये क्या राज है जो एकदम शरीर फिट एंड फाइन, या लड़की का शरीर थोड़ा अलग होता है ना? खाना मत खाओ। काम करते रहो बस, ये सच में खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता मैम, बिल्कुल भी खाना अच्छा खाने का टाइम नहीं मिलता। अब भी आप देख ही रहोगे 10:15 हो गया, मतलब बिल्कुल होश ही नहीं है खाना खाने का, तो ये रह हाँ जाता है नहीं काम वो करते तो आएंगे ठीक तो। है, खाना वाली बात ठीक है, फिर भी एक लड़की का शरीर थोड़ा सा अलग होता है, तो आप जो शर्ट पहनते हो तो ऐसा लगता नहीं है कि आप एक लड़की हो। हाँ हाय हेलो, मैम, ये मेरी नमस्ते वाइफ है नमस्ते कोमल मैम, मिलकर नमस्ते। कैसे हो? हाँ मैं कैसे अच्छी। हो? अच्छा मैं अच्छा एकदम बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। और आपके चिन्नू मुन्नू कहाँ गए? वो जैसे क्या है आपके घर में वो, अब मैं तो क्या बोला कुत्ता मुन्नी, वो भी आप पाल के रखते हो ना जो आपको क्या बोलती है टाइम पास। डुगु वो छोटा सा डॉग मम्मी के पास है, अच्छा वो मम्मी के पास है। मम्मी को दे दिया। हाँ दे, मतलब वो उनका ही रहता है ना कि वो भी मिस करती हैं क्योंकि वो दादी पापा अच्छा के साथ रहती हैं, तो उनको थोड़ा सा था कि हाँ ठीक है, क्योंकि डुगू थोड़ा सा देखो बीमार हो गया था डुगू, बीच में, इसलिए फिर एक उसकी एक बात बताऊं, आप जो
डॉगी को बोलते हो डुगु बुगु, हमारे यहाँ तो बच्चे होते हैं ना उनको भी प्यार से नहीं बुलाते, ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं हमारे सच में हमारी फैमिली में ना मेरी जो मदर इन लॉ है उनके उनके इन लॉज में किसी की बेटे बेटे का नाम है ना, मतलब इनके चाचा के बेटे का अच्छा नाम अच्छा है डुगू तो अगर हम डुगू को बुला रहे तो बोलेंगे हमारे बच्चे का नाम अच्छा डुगू है, डुगू अच्छा मान लो हो बाकी जाएगा हमारे ये यहाँ बच्चों को बोलते हैं छोरला इधर इधर नहीं, ए छोरा इरु आवे का एक थारे चुम्बो ठोको देखो मारवाड़ी ऐसा है कि बनी सिंह, मैं कि ज्यादा मारवाड़ी बोलू ना तो मुझे है ना हिंदी है ना थोड़ी कठिनाई से आती है, फिर मैं उत्तर मारवाड़ी में जाती हूँ ठीक है ना और भगवान करे भगवान करे बहुत आप अच्छा दोनों लगा की आपसे जोड़ी बात करके सच में। सलामत रखे और हमेशा हंसते रहो ऐसे ही, और हमें खुशी मिलती है, और आपके मैंने वीडियो देखे ना मुझे बहुत अच्छे मतलब अच्छा लगा। और आपका नाम क्या है मैम? मैंने आपका नाम नहीं पूछा। कोमल ओहो सिंह, कोमल सिंह, और कोमल सिंह आपका क्या चल रहा है कुछ बताइए कुछ नहीं चल रहा, मशीन चल रही है, वॉशिंग मशीन, उसमें कपड़े चल रहे हैं, आधे कपड़े अच्छा तो धोने हैं। आप क्या, अब ज्यादा अब क्या पूछू मैं लोगों के कमेंट आ जाएगी आप ब्लॉग वगैरह बनाते हो ना तो उसमें आपकी स्टोरी स्टोरी कुछ से डालते हो आप? नहीं ब्लॉग्स ब्लॉग्स किस चीज के व्लॉग वगैरह की? नहीं, हाँ ये आपकी डालते हैं। शादी शादी के बाद वगैरह वगैरह जो भी लोग कोई सवाल भी पूछते होंगे ना तो मेरा मेरा रील्स ज्यादा डलता है मैम, रील्स ज्यादा डलता है क्योंकि यूट्यूब अभी इतना चलाना आता ही नहीं है मेरे को, अभी ज्यादा से ज्यादा 5,000 अच्छा सब्सक्राइबर हुए होंगे तो अभी वो भी बढ़वा नहीं के अच्छे से आप काम कर रही आपके हूँ। जो जर्नी है ठीक है ना उस हिसाब से आप ब्लॉग डालो ना, ब्लॉग्स जी तो बहुत अच्छे चलते हैं, सबके अच्छे चलते हैं, तो कुछ न्यू टाइम ही नहीं मिलता ना, ये भी ऑफिस चली जाती है, मेरे को भी घर पे काम होता है तो उतना टाइम ही नहीं मिल पाता, मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अब ये घर आई है तो बैठ के खाना खाएंगे, फिर थोड़ी बातें करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, फिर अगले दिन से वो ही अच्छा शेड्यूल पूरा आपके स्टार्ट हो जाता बीच है। में कभी लड़ाई झगड़ा होता है कभी कभी? होती है, 1 घंटे हाँ 2 घंटे में ठीक हो सही जाती है कोई भी मना लेता है, मतलब बोलते हैं ना कि झुकना नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक बंदा आके माफी मांग रहा तो वो झुक जाएगा उस रिलेशन में, नहीं हमें रिश्ता बचाने के लिए करना पड़ता है, चाहे अपनी गलती हो या ना हो, माफी मांग लोगे तो आप एक रिश्ता बचा सकते हो, राइट मेरा मानना यही है, बाकी लड़ाइयाँ ना हो, हर चीज बोलते ना आराम से मिल जाए तो फिर उस चीज सही। का मजा ही क्या है, तो तो थोड़ा अभी होना ये चाहिए। हाँ बट हमारी ना कभी वो मेजर वाली अच्छा लड़ाइयां टच वुड नहीं होती है, मतलब इतनी गंदी लड़ाइयां नहीं हुई आज तक, कभी ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि मैंने कि इन पे हाथ उठाया या इन्होंने कभी मुझ पे किसी हाथ को ये उठाया हो बोलना कभी नहीं। पड़े कि छोड़ के जा रहे हैं तुझे, मतलब कभी हमारे मुंह से वर्ड नहीं निकला आज तक कि मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूँ, मैं तेरे को अगर छोड़ के जा छोड़ रही के हूँ, इसको कुछ जाना भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा छत पे चली जाएगी, वहां छुप जाएगी, फिर मैं ढूंढ लू, फिर ढूंढ के नीचे लाओ, फिर सब ठीक हो जाता है, खाना खाओ साथ में, तो ऐसा कोई बड़ा झगड़ा कभी नहीं हुआ जिसमें बिल्कुल हाथ पैर उठने लग राइट जाए, कभी नहीं। right. और कोमल जी आप मायके मतलब जाते हो अपने मायके? अच्छा हाँ मेरी साथ अच्छा में तो जाते हैं फिर मेरी मम्मी वगैरह, इवन अच्छा ये हमारी फर्स्ट लोहड़ी थी, हाँ ये मेरी फर्स्ट लोहड़ी थी आफ्टर मैरिज, और हमारा ना मतलब मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ तो हमारे पंजाब में लोहड़ी साल का सबसे बड़ा और पहला त्योहार होता है हमारे लिए, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो मुझे ये था कि पहली लोहड़ी है तो हमें साथ में घर जाना चाहिए, तो हम घर गए थे, मेरे घर ही अच्छा गए थे, तो ये फिर पहली बार गए थे आपको मेरे वहां फर्स्ट जो टाइम। स्वागत आपको कैसा लगा, मतलब हमारे जमाई साहब वहाँ क्या बोलते हैं दामाद जो भी क्या बोलते हैं? हाँ तो फिर हाँ आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखा था सबने, खाना पीना अच्छे से, काफी मस्ती करी, और लोहड़ी ना की तो डांस वांस हम सब किया ऐसा था। था कि हम यहाँ से बहुत सारी प्लानिंग करके गए थे कि हम यहाँ जाए, मतलब पंजाब में ना काफी सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं घूमने वाली, बहुत खास खास जगह जितने भी होती हैं वो सब थी, बट हम कहीं अच्छा गए ही नहीं क्योंकि घर पे इतना अच्छा लग रहा था सबके साथ के, कहीं जाने का मन ही राइट नहीं कर रहा राइट हमारा, बहुत सारी मानवता वाले मंदिर गुरुद्वारे पार्क बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, बट हम कहीं गए ही नहीं क्योंकि हमें मतलब फैमिली के साथ वो 3 दिन भी हमें इतने कम लग रहे थे ना उस टाइम पे कि क्या करें, ये भी कम है, राइट तो कहीं राइट जाने का मन ही नहीं कुल करा। मिलाकर अब सबको समझ में आ गया है। क्योंकि धीरे धीरे आता है हर चीज, धीरे धीरे मतलब आती है। तो ऐसे कई लोग हैं जो
कह नहीं पाते है अपने परिवार वालों को या कहीं समाज क्या बोलेगी वगैरह वगैरह जो है, तो वो अपनी फीलिंग को बिल्कुल मार देती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि एक मुझे बात बताइए कि आप में तो जो एक लड़के वाली फीलिंग थी, ठीक है ना, ये भी लोगों का सवाल है, ठीक है, तो क्या आप मतलब आपको ये कैसे पसंद आए, आप कैसे क्या देखा, मतलब भाई मैं इनसे शादी कर लूं आगे वगैरह जो भी आगे वाला, आपने सोचा वोचा नहीं कि? मेरा ना मतलब पास में ऐसा कुछ था ही नहीं. मेरा पास एकदम क्लियर ऐसा था कि घर पे फोकस करना. मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है, तो मैं जब 13 साल की थी तब से ना मैं अपना घर संभालने लग गई थी. और मेरे घर में ऐसा होता था कि हम सफाई काम वाले से करा लेंगे, लेकिन खाना हम अपने हाथ पे ही खाएंगे, हम काम वाले का नहीं खाएंगे. तो मैं 13 साल की उम्र में ही ना खाना बनाने लग गई थी. मतलब अपना स्कूल टिफिन, मम्मी पापा का लंच, भाई का, सब सब चीजें, फिर घर आके भी करना. बीच में मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी थी अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए. उस दौरान ना मैंने इनको अच्छा, टिकटॉक पे देखा था, ये सब टिकटॉक का काम है, और ये मुझे उस सब टाइम पे टिकटॉक खुद, का हाँ, और मुझे ना काम उस टाइम पे पता ही नहीं था कि क्या होता है ये. मुझे कुछ भी नहीं पता था. मेरे लिए एक प्यार, एक रिलेशनशिप ये होता था कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, प्यार होता है, रिलेशन होता है, शादी हो जाती है, घर वाले मान गए, नहीं तो वो भाग जाते. सिंपल लव स्टोरीज मेरे लिए ये होती थी. बट मैंने इनको देखा, इनकी जो एक्स थी उसके साथ देखा. मैं बहुत पसंद करती थी, मतलब मेरा पूरा लॉकडाउन इनको देखते हुए निकला है. और मेरा जो नानका है, मतलब मेरी नानी का घर, मेरे मामाओं का घर, अच्छा। सब यही दिल्ली में ही है, तो मैं यहाँ बहुत आती थी. तो लॉकडाउन में भी मैं यहीं थी, तो मैं ना ये सोचती थी कि कहीं से ये इंसान मुझे दिख जाए. मतलब दिल्ली में ही रहता है, कहीं तो दिख ही सकता है. मतलब पसंद करती थी. अब मुझे नहीं पता था कि वो क्या है, मेरी फीलिंग्स क्या है, मैं अच्छा। नहीं समझ पाई थी. एक दिन ना इनकी इनकी एक्स के साथ बहुत अच्छा। गंदी लड़ाई हुई थी. ऐसी हुई थी ना कि उसके भाइयों ने इन ओ पे हाथ उठा दिया था, तो ये रो अच्छा, रहे थे लाइव पे. मेरे को वो देख के अच्छा नहीं लगा, मतलब मेरे को इतना गुस्सा आया, और मैं कहीं किसके मुझे भाई ने सुनो, हाथ उठाया, इनके या उस लड़की के? मेरी एक एक्स से, इनसे पहले मेरा एक रिलेशनशिप था किसी के साथ, तो उनके ओ भाइयों ने किया था, तो काफी ओहो, मारपीट हो गई थी उधर. मतलब आपने हाँ जी, एक मतलब लड़के होते हैं ना उनके हाँ, हाँ इनसे हाँ पहले मुझे मैंने इनकी बात इनके करी. ना लाइफ के अप्स डाउन, खुशी गम, हर एक चीज देखी है, हर एक चीज. मतलब अगर 100% में से मैं बोलूंगी, एटलीस्ट 75% पार्ट मैंने देखा है, बाकी का जो बच्चा है वो मैंने सुना है इनसे और उसको फील किया है, तब जाके मुझे इनसे प्यार हुआ है. मतलब जब मैं इनके साथ कांटेक्ट में भी आई ना, तो तब भी इनकी अच्छा। मम्मा को कैंसर था लास्ट ईयर, और इनको नहीं पता था कि मैंने पिछले 4-5 साल से जानती हूँ. जब मतलब बस एक इच्छा होती थी, और मेरे मन में ना कभी ऐसा नहीं आया कि यार इस बंदे के इतने फॉलोअर्स है, इतना वो है, एज अ फैन मुझे इससे मिलना है, कभी नहीं. बस एक फीलिंग्स थी अंदर से कि मुझे अच्छा लगता है. अब किस वे में लगता है मुझे नहीं पता था, मेरे को नहीं पता था. बट जैसी मेरी लास्ट ईयर जनवरी में इनसे बात होना शुरू हुई थी ना, मार्च में हम अच्छा। रिलेशनशिप में आ गए थे. जनवरी फरवरी तक 2 महीने हम दोस्त रहे, तीसरे महीने हम रिलेशनशिप में आ गए, 6 महीने अच्छा, में मेरी शादी हो गई. मतलब तो एकदम ऐसे. पहले किसने बोला, मतलब धीरे धीरे ऐसे शर्माते शर्माते इन्होंने बोला, अच्छा और मैं चाहती थी कि अच्छा बोले, मैं ओ चाहती थी कि ये बोले, हाँ और जब बोला तो मना नहीं किया गया, क्योंकि फिर ऐसा था जैसे मैं तो वेट कर रही थी. ठीक है. और मेरी जब शादी हुई ना, मतलब मैं उस फेज में थी कि मुझे पता ही नहीं था कि हो रही है. मतलब मेरे को ऐसा हो रहा था कि शायद सपना है, ये शायद पता नहीं टूट ना जाए या कुछ हो ना जाए कोई. मतलब 5 सितंबर को हुई है, उसके 1-2 महीने बाद तक हम सिर्फ आपस में यही बातें करते थे एक दूसरे को देख के कि हमारी क्या शादी हो गई है. मतलब लग ही नहीं राइट, रहा, ऐसा होता था. बढ़िया बढ़िया, भाई के मुंह पर लाइफ खुशी थोड़ी चेंज देखो। हो गई. हाँ, भाई के मुंह पर खुशी तो होगी ना, अब भाई के मुंह पर ये पूरी खुशी मिली है तो अब खुशी क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस खुशी के लिए तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ा, सही है ना? बहुत कुछ करना पड़ा. बहुत। 10 साल कैसे और बीते हैं ऐसा हमारे। नहीं है कि हम दोनों के लिए, जैसे हम बता रहे हैं कि बहुत इजी रहा हो, नहीं.
बताने में लगता है कि इजी है, बट जब ये चीजें हो रही थी ना तो हमने भी बहुत सारी चीजें फेस की हैं, हर एक जगह से, फैमिली, पब्लिक, बहुत सारी चीजें हम पे भी आई हैं। मुझसे ज्यादा तो इन्होंने किया, मैंने तो सिर्फ कुछ महीनों किया है, इन्होंने तो 10 साल किया है। मतलब इनको 10 साल लग गए थे अपने घर वालों को समझाने में कि इन एक्चुअल राइट चीजें क्या राइट, है। मैं समझ सकती हूँ, वेलकम। और जितने भी मेरे भाई हो बहने हो, आप कमेंट जरूर करें, और आपको कमेंट का जवाब भी मिलेगा कि ये रिश्ता आपको मतलब कैसा लगता है जो इन दोनों का है। तो उस मतलब इन दोनों को देखकर आपको खुशी मिलती है या कुछ आपको अलग कोई आपके दिमाग में है, तो सवाल जरूर पूछिए ताकि मैं आपको मारवाड़ी में जवाब दूंगी। क्या से सच में सवाल जी तो बहुत आते हैं, मतलब ऐसा। हाँ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बेबी कैसे होगा, मैंने बताया उनको। तो ना हम लोग ना इसके लिए पहले से ही प्लान कर चुके हैं और उसके ऊपर फोकस भी कर रहे हैं। मतलब अभी हमारा 2025 तक तो पूरा है कि हम होना उस ही प्रोसेस होना को स्टार्ट कर देंगे। मतलब उसके लिए मैं अपने आप को अभी से रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ना अभी कितने 2 हफ्ते पहले अपना टेस्ट करवाया था। मेरे को कुछ अंदर से प्रॉब्लम लग रही थी रिगार्डिंग माय हेल्थ। तो क्या हुआ, उसमें बहुत सारी कमियां आई अच्छा है मेरे को कि आपको ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो मैंने जब डॉक्टर को बताया तो उसने ना मुझे उस लेवल के लिए, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए ना अभी से स्टेबल करना स्टार्ट कर दिया। मेरी अभी भी मेडिसिन चल रही है, मतलब मुझे 2 साल बाद इस चीज की प्लानिंग करनी है, बट मैं उसके लिए अभी से अपने आप राइट को राइट, तैयार कर रही हूँ। तो जिनको नहीं पता है या जो भी है, जो लोग हैं, 2025 में एक नन्ना राजा आएगा अपने घर पे, ये तो पक्का है। तो तो मतलब उस चीज की तैयारियां शुरू हैं। सब लोग बोलते हैं अभी कर लो, मतलब आप यकीन करोगे, पता नहीं वो भी लाइफ में है या नहीं। शादी के तीसरे दिन पे तीसरे दिन मेरे पास ना गायनेकोलॉजिस्ट का एक नहीं, दो नहीं, 7 से 10 मतलब गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स मैसेज करने लगे मैसेज थे कि कर बेबी रहे करवा थे, लो, बेबी करा लो, जबकि सिर्फ 3 दिन हुए थे 3 दिन शादी शादी को को हुए हुए थे। थे। और अभी तक वो मैसेज करती है, एक है अच्छा सोनालिका नाम है उनका, कि आप कब कर रहे हो। कभी कभी तो मैं इरिटेट हो जाती थी, मैं स्टार्टिंग में तो मैं हो ही गई थी कि भाई क्या हो गया, तीन अभी दिन हमें हुए अपनी हैं। शादी भी एंजॉय नहीं करी थी, तीसरे दिन से मैसेज आना स्टार्ट सही कर है। तो दिया, अब तो देखो, अच्छा इस कहना ये दुनिया में भगवान मतलब हर चीज बनाई है, ठीक है ना, हर चीज बनाई है। और जो अपने कहना विज्ञान ने तरक्की की है, तो हर चीज बन जावे है। हाँ, तो बहुत। इसलिए लड़कियां आप जितने भी हो खुश रहो, अगर आपके अंदर कोई फीलिंग है तो इसे दबा कर जला कर भस्म ना करे, क्योंकि ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं जो कि उनकी वो फीलिंग समझते नहीं है, फिर वो क्या करते हैं, खुद को ही मतलब मार देते हैं खुद को ही, ठीक है ना। वो एक जीते जी तो मरते हैं, और लेकिन खुद को ही जैसे कोई फांसी और कोई मतलब उल्टा काम कर लेते हैं खुद, और फिर क्या है लोग उसके ऊपर उल्टा मतलब लगा लेते हैं कि ये अच्छी नहीं थी, ये उसके साथ पकड़ी गई वगैरह वगैरह, फिर गंदे इल्जाम लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो उनको ये नहीं बताया कि इसके अंदर कोई मतलब कोई बात थी या कोई समझ नहीं पाई, तो अब क्या करें। ऐसे भी होते हैं, तो ऐसे मत करो, अपने खुद के लिए लड़ो, आपको जो अच्छा लगे वो करो, क्योंकि अपनी फीलिंग वो कोई सरकार रे हाथ में नहीं है कि थोड़ी फीलिंग थे मारो, वो कोई कानून कानून में है नहीं लिखो। हाँ ठीक है कि कानून तोड़नो, ये है कि आप जो लोग तस्करी करते हैं, कानून का जो वो क्या बोलते हैं पालन नहीं करते हैं, उनको वो कानून में लिखा हुआ है, लेकिन एक लड़की अकेली रह सकती है या अपने लड़की के साथ रह सकती है, वो कानून में कहीं नहीं, ठीक है ना। सही बोला मैंने अभिनय सिंह, या आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं। मेरे को मारवाड़ी वाला नहीं आया लेकिन उससे पहले का सवाल। हाँ दोनों लड़कियां हैं भाई, जो भी कमेंट कर रहे हैं, और इनका जो इंस्टाग्राम है आप फॉलो करो, और इनके जो यूट्यूब चैनल है आप सब्सक्राइब करो, ताकि इंस्टाग्राम पर आपको उनकी हर एक अपडेट मिलती रहेगी। लेकिन आप दोनों की वीडियो मैंने साथ में इंस्टाग्राम पर एक दो देखी थी, ठीक है ना, अब ज्यादा नहीं। बहुत है, अच्छा बड़ी तो हुई है। भले आप थोड़ा नीचे की हाँ साइड करोगे ना अच्छा तो बहुत देखेंगे। बाकी मैं आपको कुछ कुछ भेजूंगा, मैं अपनी शादी की जी वीडियोस भी आपको फॉरवर्ड जी करूंगा, जी आप और बिल्कुल देखना कोमल उसे। जी आपके भी है, कोमल सिंह जी आपके भी मतलब इंस्टाग्राम आईडी है? मिसेस सिंह के नाम से, मिसेस सिंह के नाम से मैंने फॉलो कर रखा अच्छा है, वहां पे आपने मिल नाम क्या बताया, मैं तो जाएंगे भूल ही जाऊंगी।
नहीं नहीं आईडी नहीं, आईडी मिसेस सिंह। हाँ मिसेस सिंह होता है ना, जैसे हमने अपना एक वाइफ ने अपनी हस्बैंड का सरनेम लगा दिया, मिसेस सिंह हो गई ऐसे। पहले मैं हाँ मिस थी, ओके हाँ समझ गई समझ गई। फिर अब क्या करे हम, वो क्या बोलते हैं, अनपढ़ लोगों को इतना नहीं आता है। राइट मिसेस हो गई। अरे नहीं, इंसान दिल से पढ़ा लिखा होना चाहिए, किताबों से पढ़ा लिखा नहीं और होना आप चाहिए। क्या बोलते हैं, सॉन्ग अच्छा गाते हो, सिंगिंग करते हो, मैंने आपकी पीछे थे जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने नया नया ये हाँ कर्तव्य स्टार्ट किया अपना, तो आप आगे बढ़िए। यूट्यूब पर आपके जो सॉन्ग वगैरह, आप अभी तक आपने कोई बनाए नहीं है ना? नहीं अभी नहीं बनाई, वीडियोस बनाई है मैंने, 4-5 ब्लॉग्स बनाए हैं, अच्छे हैं। मेरी जर्नी पे भी मैंने बनाया है कि मैंने क्या क्या चीजें करी हैं स्टार्टिंग से एंड तक। मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, बिल्कुल जी जरूर जी देखना उसको, हो सके तो उसको बिल्कुल और लोगों तक भी पहुंचाना, जिससे जी उनको भी आप पता चले। मतलब आपको म्यूजिक में रुचि है, संगीत में रुचि, मतलब आपको जी संगीत में रुचि यानी आपको पसंद है, ठीक है ना? बहुत तो आप संगीत, बहुत ज्यादा हाँ तो स्टार्टिंग से ही आप पसंद। स्टूडियो में आपने ट्राई नहीं किया कि मैं गाऊं? नहीं कभी नहीं किया, ऑडिशन दिए थे, छोटे मोटे दिए थे, बट ठीक है अभी नहीं चीजें ऑडिशन, अलग हो रही नहीं हैं, फिर हर ऑडिशन नहीं, चीज जैसे खत्म होती आप चली खुद जाती का, जैसे आप सॉन्ग बनाओ खुद का। है। नहीं वो अभी हाँ तक जैसे कुछ हम नहीं लोग किया। बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ राजस्थानी, ठीक है ना? यहाँ क्या है, मेरे सब लोग जो राजस्थानी लोग जुड़े हुए हैं पूरे के पूरे मेरा जी। तो बहुत मन है बनाने का, पर अभी मौका ही हाँ नहीं मिल रहा ना उस तरीके से, अभी कोई लोग जुड़े हुए हैं कि आगे हेलो हेलो बढ़ाया इसको सिंगर, चीजों कहीं देखो, अरे मना को। को परमेश्वरी जी, वेलकम परमेश्वरी जी, की करो ठीक हो, रोटी भी दिखा दी था है। अब थोड़ा मारवाड़ी में बात करो, मारे धंधे ने हिंदी बोले बोले, मारे जुबान है ना जुगु में दर्द होने लगू है। ऐसा है कि हिंदी में बोलती हूँ ना, तब यह लोग बोलते हैं कि यारे पूनम जी आप बस करो, अब हिंदी को रहने दो, आप है ना मारवाड़ी बोलो, ऐसा है। और मैं व्लॉग्स बनाती हूँ ज्यादातर मारवाड़ी भाषा में, और मैं सॉन्ग भी गाती हूँ, मेरे देखा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर 2,60,000 प्लस मेरे सब्सक्राइबर है, और फेसबुक पर भी 1 मिलियन है। लो रो लप, अरे शरण जी आप कहीं बोलो लिखो। शरण जी हमारे यहाँ के लोग हैं जो लिख रहे हैं, ओके मारवाड़ी भाषा में, ठीक है वो मुझे ही कुछ लिख रही है। हाँ और आप दोनों से मतलब बहुत कुछ हमने सीखा भी है, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ ज्यादातर आप लोगों की वीडियो, है ना? बहुत ज्यादा ऐसे कई लड़कियां हैं, मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उन वो दोनों एकदम साथ में रहती है, सुखी जीवन अच्छा लगता है ना, लड़ाई ना टंटा ना झगड़ा ना वगैरह ना मार ना पीट वगैरह जो भी है अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप दोनों पति पत्नी हो क्या? हाँ पति पत्नी है, इसलिए देखो कौन कंधे पर हाथ रख कर बैठे हैं। हाँ आपको क्या लगता है? बहुत कुछ उन्होंने सहा है तब देखो उनको ये मिला है। हाँ ठीक है ना? तो ये यही बात है, पमसा सच है, को बहुत कुछ ऐड सहना करो पड़ता है। काफी जी। लोग बोलते हैं कि आप तो दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में ये चीजें कॉमन है, मतलब बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। दिल्ली में भी ऐसे ऐसे परिवार रहते हैं जो आज भी अपने पूर्वजों की चीजों को लेके चल रहे हैं, मेरे घर वाले भी, उनके घर वाले भी। और मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, ब्राह्मण परिवार में क्या होता है कि शादी ब्राह्मण को हाँ ब्राह्मण ही वो हमारे होती यहाँ भी है। ऐसा ही है सब। हाँ तो मेरे लिए तो ऐसा है, ऐसा ये कदम था ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बट लेकिन ना आज मैं ना, पहले मैं आपको बताऊं, मेरी शादी के हफ्ते 10 दिन तक ना मैं थोड़ी सी अच्छा हिचकिचा रही थी, जो मेरे जिन जिनको अपन पता का चलता लाइव था। 19 18 सेकंड में बंद हो जाएगा शायद, ऐसा कुछ ऊपर लिखा हुआ आया है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हाँ। मैम, ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा, आपको थैंक भी यू थोड़ा सा बहुत। सुकून।